नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक टैंक न्यूज में, मैं ममता सोनी। और आपको बता दें कि अपनी विद्या को चरितार्थ करते हुए आदर्श विद्यालय स्कूल सन 2002 बैच के विद्यार्थियों के समूह ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पलायन कर रहे मजदूरों की सहायता के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। जी हां, दिनांक 21 मई 2020 को शासन के समस्त दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए इस समूह ने प्रदेश में आ रहे प्रवासी मजदूरों को भोजन पैकेट, पानी, बिस्कुट, स्नैक, सैनिटाइजर, गमछा, साबुन आदि का सहयोग दिया है। सबसे खास बात, समूह के महिला सदस्यों ने प्रवासी महिला मजदूरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सैनिटरी नैपकिन्स का भी वितरण किया। इस बैच के सभी सदस्य का हाल ही में रियूनियन ग्रुप बना और इस और सभी सदस्य देश विदेश में सभी विधाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस ग्रुप में ऐसे भी सदस्य हैं जो वर्तमान में इस राज्य में और इस देश में नहीं रह रहे हैं। उन्होंने अपना योगदान देकर इस नेक पहल को सफल बनाया। सभी ने निर्णय लिया कि वे इसी तरह आगे भी अपने कार्यक्षेत्र, समाज तथा देश के प्रति दायित्व को सामूहिक रूप से निर्वहन करेंगे और अपना समाज टेक और समाज में अपना योगदान देते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ द थिंक टैंक न्यूज में। नमस्कार।